तो भाई अभी हम आए हैं जावेद फेमस नहारी खाने के लिए बहुत दिनों बाद। कार्डेस लो, तेलकी कार्डेस बोलते हैं ना। कैसे हो दोस्तों, एक नया दिन एक नया सफर। तो आज फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह पहला आज जो है सहरी है, और पहली सहरी खाने के लिए मैं जा रहा हूँ। और एग्जैक्टली जाकिर नगर है, तो यहाँ की मार्केट तो बहुत अच्छी होने वाली है। रात बहुत अच्छी जो है यहाँ पर जो है सजावट हुई थी, तो वहाँ चल रहे हैं। और लगभग अभी 3 बज रहे हैं, 3:30 बजे मैं जाऊँगा। उसके बाद मुझे कहीं और भी जाना है बाहर। और भाई मैंने कल ही अपने हेयर स्टाइल थोड़ा चेंज किया है, बाल कटवाए हैं, क्योंकि 1 महीने तो मैं कुछ हाथ लगाने वाला नहीं हूँ। तो मुझे एग्जैक्टली कुर्ता पजामा भी लेना है, कुछ जो है सामान भी लेना है। और भाई आज का जो दिन है ना कैसा होने वाला है, तो आप लास्ट तक देख रहे हैं। और कोशिश करूँगा कि शाम तक ब्लॉग आ जाए, ना तो कल तो ये ब्लॉग आ ही जाएगा पक्का। तो ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो भाई 3:30 बज चुके हैं, और 3:30 बजे की रौनक है ये जाकिर नगर में। मैंने उम्मीद नहीं करी थी, लेकिन फिर भी यार काफ़ी दुकानें खुल गई हैं। क्या जाकिर नगर तक खैर बंद ही नहीं होती रात को, मतलब रमज़ान के महीने में। बट मुझे अभी पता चला कि यहाँ पर कुछ पुलिस भी आई थी, तो उन्होंने ना सामान साइड से करा दिया था। बट मैं दिखाता हूँ आपको कुछ ना कुछ। तो यहाँ की आप सजावट वगैरह देख सकते हो। तो ये तो है यार जाकिर नगर में, मन तो लगता है स्पेशली शहरी के टाइम में। दुकान भी काफ़ी खुली हुई हैं काफ़ी हद तक, ये देखिए। हेलो गाइस, आप अपनी बोरिंग लाइफ को एक्साइटमेंट और थ्रिल से भरना चाहते हैं? इफ यस, आपको मिलेंगे इतने सारे एक्साइटिंग गेम्स लाइक एविटर, इट्स अ इंटरनेशनली लाइसेंस एंड जेन्युइन। यही नहीं, मोस्टबेट पर आपको मिलेगा अंदर बाहर जेट्स क्रैक्स एक्स और भी काफी सारे एक्साइटिंग गेम्स। आप मेरा प्रोमो कोड अरबाज यूज करेंगे तब आपको 34,000 का बोनस मिलेगा, प्लस 250 फ्री स्पिन्स। डिपॉजिट ऐप फोन पे गूगल पे पेटीएम कहीं से भी कर सकते हैं। ये साइट 100% सेफ है, प्लस 24/7 कस्टमर सपोर्ट के साथ आपको यहाँ फास्ट विड्रॉल्स भी मिलते हैं। सो वेट किस बात का, कमेंट पिन में लिंक है, अभी जाएं और जितना शुरू करें। जाकिर नगर मार्केट में भीड़ तो बहुत है। मैंने सोचा सबसे पहले मैं कुर्ता ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे ना कुर्ता पजामा लेना था। तो शहरी में दुकान खुल रही थी, मैं आ गया, और ये दुकान का नाम ही कुर्ता पजामा है। और ये हमारे लड्डू भाई की दुकान है, लड्डू भाई इनका नाम पता नहीं किसने रखा है, देखिए बहुत फेमस है जाकिर नगर में। तो यहाँ पर मैंने कुर्ता पजामा लिया, जो आप देख सकते हो वाइट कलर का, जो इन्होंने मुझे 750 रुपये में दिया। पहले 875 में दे रहे थे, फिर पता नहीं इनके दिमाग में क्या गया, डिस्काउंट दे दिया भाई इन्होंने। खैर मुझे अच्छा लगा, कॉटन का है। और ये रहमानी मस्जिद के पास इनकी शॉप है, शॉप का नाम है कुर्ता पजामा। तो भीड़ तो भाई बहुत अच्छी खासी है, बहुत शानदार है। बट देखो यहाँ भी, लेकिन लोग बता रहे हैं यहाँ पर पुलिस आई थी ना, उसकी वजह से जो दुकानें थोड़ी साइड से हो गई। चलो फिर भी कुछ ना कुछ खाते हैं भाई, लगभग जो है 4 बजने वाले। संडे को भी होगा, तो भाई ये है हमारी पहली शहरी, और ये है हमारे छोले कुलचे जो मेरे बहुत फेवरेट है। और ये खाना का ब्रेकफास्ट ज़्यादा हो रहा था, और बहुत ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर छोले और कुलचे ना बहुत फेवरेट हैं, चाहे वो उस्ताद जी के हों चाहे वो केसर भाई के हों, दोनों का ही अपना अपना टेस्ट है, बहुत ही शानदार। और उसके बाद फिर हमने खाई बिरयानी, और ये बिरयानी 18 नंबर में मुल्ला जी बेचते हैं, बहुत ही शानदार बिरयानी होती है। और साथ में हमारे ये पहलवान जी जो मिठाई वाले, बहुत फेमस उनके लड़के दाऊद भाई, और बिरयानी बहुत अच्छी थी। और उसके बाद फिर भाई सारण बज गया, चटनी
उसके बाद भाई फजर की नमाज पढ़ने के बाद मैं गया था ब्लॉग शूट करने के लिए भाई अकेला, और वहां से आया था 12 बजे, और यहाँ दिखाई थी मैंने दिल्ली की छुपी हुई झील। अगर ये ब्लॉग नहीं दिखाना है तो आप कल वाले ब्लॉग में देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने कल अपलोड कर दिया है इसको। देखो दिल्ली के अंदर हमने खोज ली है ये नीली झील, तो मेरे पीछे देख सकते हो नीली झील, जो दिल्ली के अंदर पहली बार आप इस ब्लॉग में देख रहे हो, मजा आने वाला है। तो भाई अभी हम नमाज पढ़ कर आए हैं और यहाँ पर रौनक देखो यार, मतलब 5:30 बज रहे हैं और यहाँ पे ना आपको बहुत रौनक मिलेगी भाई। वाकई में अगर आपको रमज़ान देखने ना तो जाकिर नगर या पुरानी दिल्ली चले जाओ, स्पेशली जाकिर नगर। सजावट देखो कितनी हो रखी है, ये आप देखो। अच्छा पहले क्या होता था, गिने चुने ना 1-2 बंदे रखते थे पकौड़ी, अब तो हर बंदा हर दुकानदार पकौड़ी रख रहा है। तो थोड़ा सा सामान मैं लेता हूँ इफ्तार का, तो आज हम दिखाएंगे आपको जाकिर नगर की इफ्तार। हालांकि मैं करीब कई बार तो दिखाई चुका हूँ मैं आपको, लेकिन फिर भी। तो मैं ना यहाँ से कुछ ड्राई फ्रूट लेने आया हूँ, ये देखो अल मदीना ड्राई फ्रूट, और ये है हमारी इमरान भाई की, इनसे लाया हूँ। कोई ड्राई फ्रूट मिल जाएंगे, खजूर वगैरह मिल जाएगा पक्का, अभी लेता हूँ ये आपसे। तो दोस्तों मैं गया था अपने इमरान भाई की शॉप पे, और मेरा दोस्त भी है पुराना, तो मैं उससे लेकर आया था। देखो ये जो है देख रहे हो ना आप, ये जो है चिरौंजी है, ठीक है, और ये है किशमिश, और ये है कद्दू के बीज। अब इसकी जगह ना आप लौकी के बीज भी ले सकते हो, और इसकी जगह आप कलौंजी भी ले सकते हो। ये चिरौंजी है, कलौंजी भी ले सकते हो। ये पिस्ता है, ये अंजीर है, ये 2 टाइप के खजूर है। अब पता मैं क्यों लेकर आया हूँ, जैसे आपको ना इफ्तार के बाद या मान लीजिए शहरी में ना आपको आइसक्रीम खाने का मन करता होगा यार, कसाट आइसक्रीम खाएं, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा दही लो एक प्लेट में या एक कटोरी में, उसमें आप किशमिश मिला दो, और ये दो चिरौंजी मिला दो, ठीक है, और इसमें ये सीड्स मिला दो। अब सीड्स मैंने कहा चाहे लौकी के हो या कद्दू के, ये तो खैर कद्दू के लौकी के, और तीनों का मिला कर ना भाई, जब आप खाओगे ना तो आपको ऐसा फील होगा, मतलब आपको ऐसा फील होगा जैसे आप आइसक्रीम खा रहे हो, बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका। मैंने इसकी रील भी डाली थी, और मैं उसमें थोड़ा सा यही क्लियर कर दूं कि कलौंजी हो या चिरौंजी हो, चिरौंजी भी बहुत फायदेमंद है, ठीक है, चिरौंजी और कलौंजी भी फायदेमंद है, और साथ में ये जो तुम्हारे के सीड्स होते हैं ये जरूर। और ये पता है मैंने कहाँ देखा था, जब मैं चाइना गया था ना, चाइना में यार हर इंसान ना कद्दू के बीज खाता है, लौकी बीज खाते हैं, और लौकी तुम्हारे प्यारे आका की फेवरेट डिश है। मैं चाहता हूँ अपने खाने को रिप्लेस कर दें। बहुत सारे लोग कहेंगे यार खाना महंगा है, मतलब ड्राई फ्रूट महंगे, ऐसा कुछ नहीं यार, आप चाउमीन बर्गर पाव भाजी ये खाते होंगे ना, जितने फ्राइड चीज़ हैं उसको हटाकर इसको रिप्लेस कर दें। आप 30 दिन खा कर देखें, आपकी बॉडी में ना चेंजेस आने लगेंगे, क्योंकि जो रमज़ान का महीना है एग्जैक्टली ये माशाल्लाह, ये तो देखो इबादत का महीना तो है, फर्ज तो है, लेकिन भाई लॉजिकली ये मतलब साइंस की तरफ से देखोगे ना तो आपकी बॉडी को बहुत अच्छा कर देता है। जब आप फैट लॉस की जर्नी पर जाते हो ना, तो आपको 14-15 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग बताई जाती है। सेम यहाँ भी आपके 14-15 घंटे के रोजे होते हैं, इस बार तो कम के देखो 17-18 घंटे के रोजे हैं, और इस बार तो गर्मी भी कम है, एक तरह से मौसम चेंज भी नहीं कर सकते, तो आप ना अपनी बॉडी को ठीक भी कर सकते हो। तो यही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एक बार ना आप ट्राई जरूर करना। आप तुम्हारे के आइसक्रीम की जगह ना आप दही लेना, और उसके अंदर सीड्स डालना, कद्दू के डालना, चिरौंजी डालना और किशमिश डालना, उसका मिलाकर जब खाओगे ना तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, शुगर वगैरह ऐड मत करना उसमें। तो भाई आज यहाँ की आप भीड़ देख सकते हो, पहला रोज़ा माशाल्लाह, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी हद तक यहाँ पर भीड़ है, और ये देखिए भाई, तो ये आप देख सकते हो। और मेरे हिसाब से मैंने एक चीज़ महसूस करी कि यहाँ पे ना जो पहले ये कचरी वगैरह होती थी ना, इसके बारे में पता करता हूँ, कोई आलू वाली है कचरी नहीं। तो भाई आज पहले रोजे के हिसाब से भीड़ देखो, तो अभी हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं यार, ईसा की नमाज पढ़कर आए थे, उसके बाद खाना खाने के लिए जा रहे हैं, तो भीड़ तो यार काफ़ी अच्छी है आज अगर देखोगे तो। ये देखो भाई, और सजावट भी काफ़ी अच्छी है, और भाई एग्जैक्टली अगर भीड़ देखनी है ना तो 10 रोजे के बाद देखना है, यहाँ पे 10 से लेकर 20 रोजे में ना अच्छी खासी भीड़ होती है। तो भाई अभी हम आए हैं जावेद फेमस नहारी खाने के लिए, बहुत दिनों बाद, और ये काफ़ी फेमस है, तो अभी हम यहीं पर चल रहे हैं भाई। देखो 11 बजे भी ना भीड़ इतनी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा, ये देखो भाई इतनी भीड़ 11 बजे भी।
जावेद नानी का भाई नाम ऐसा नहीं यार, वो भीड़ देख रहा है और ना मैं जमाने बाद खा रहा हूँ यहाँ पे, मतलब मुझे 5-6 साल हो गए रहते हुए, मुश्किल से दूसरी या तीसरी बार आया हूँ मैं यहाँ। टेस्ट है यार, टेस्ट है। और शानदार वाली खुशबू आ रही है इसमें, सो मेरी फैमिली, माय इंस्टाग्राम, माय यूट्यूब फैमिली, आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। ये कल का हमारा पहला रमज़ान था, एडिट करने में टाइम लगा और आज ये वीडियो पड़ रही है और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। और जाकिर नगर की तो बात ही अलग है, पता है जावेद नहारी में मैं शायद दूसरी या तीसरी बार गया हूँ 6 साल के अंदर। मुझे ना एग्जैक्टली इतना खाना का शौक नहीं, मेरा मतलब कोई फेवरेट नहीं है, जो मिल जाए वो मेरा फेवरेट है, मतलब ऐसा नहीं है कि यार मुझे ये होना चाहिए ये होना चाहिए, जबकि मेरी खाना तो यार बड़ा अजीब है। आपको मुझे लौकी पसंद है, मुझे लौकी गोश्त पसंद है, मुझे तुरई पसंद है, मुझे भिंडी बहुत पसंद है, मुझे इस तरह के खाने बहुत पसंद है। स्पेशली अगर मैं नॉन वेज में बात करूँ कलेजी पसंद है, बट कलेजी होटल की तो मज़ा आता ही नहीं है, उड़द गोश्त पसंद है, इस तरह खाना, मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं है कि डेडिकेट यही पसंद है, उसकी वजह से नहीं है, जो भी मिल जाए ये है इस तरह का, और ज़्यादातर घर का खाना पसंद है। तो दोस्तों आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, 1 मिलियन करा दो, फिर हम सब आपको सरप्राइज देने वाले हैं। और अल्लाह हाफिज़, अपने ख्याल।